फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप आपका किसी भी प्रोजेक्ट्स में लाइट वेट टेक्स्ट एनिमेशन वीडियो कैसे ऐड करें, जैसे कि ये। दोस्तों, ये बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको चाहिए आपका फ़ोन में सिर्फ एक सॉफ्टवेयर, जो है काइन मास्टर, जो कि प्ले स्टोर में बहुत ही इजीली अवेलेबल है। दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले इसको एक लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ राज और आप लोग देख रहे हैं रिबेल टेक्नोलॉजीज। फ्रेंड्स, आप देख लीजिए, मैं अभी काइन मास्टर ओपन कर लिया हूँ। तो अभी आपको क्या करना है, क्रिएट न्यू में क्लिक करना है। क्रिएट न्यू में जाके 16:9 ये ऑप्शन क्लिक करना है। आप ये जो भी ऑप्शन है इसमें सब में कर सकते हैं, लेकिन 16:9 बड़ा स्क्रीन होता है ना, इसी वजह से अच्छा लगता है। नेक्स्ट में जाके अभी अपने को क्या इमेज ऐड करना है। आप कोई सा भी इमेज डाल दीजिए, तो मैं ब्लैक इमेज एक डाल देता हूँ। अभी इमेज डालने के बाद हमें क्या करना है, इसमें लेयर में जाके टेक्स्ट ऐड करना है। तो टेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ मेरा चैनल का नाम रिबेल टेक्नोलॉजीज। ओके, अभी इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। दोस्तों देखिए, मैंने इसको बड़ा कर दिया और इसका फॉन्ट भी थोड़ा चेंज कर देते हैं। दोस्तों, ये नोटो शरीफ बॉल जो है इसको मैं करता हूँ, यूजुअली यूज़ करता हूँ, तो इसी को ही मैंने कर दिया। और इसका थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। कलर मैंने रेड कर लिया, क्योंकि रेड कलर वाइब्रेंट होता है तो दिखने में अच्छा लगता है। थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो ये हो गया। अभी क्या करना है, अपने को लेयर में सिलेक्ट करने के बाद इफ़ेक्ट्स में जाके एक इफ़ेक्ट सिलेक्ट करना है, जो है स्पायरल ब्लर। इसको मैंने इंस्टॉल कर लिया हूँ, अगर आपका पास वो नहीं है, अब ये होम बटन में जाके स्पायरल ब्लर को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको देखिए जो ऑप्शंस आएंगे, तो लेफ्ट में देखिए यहाँ पर ब्लर का सिलेक्ट करना है। ब्लर जब आप सिलेक्ट करेंगे तभी आ जाएगा, देखिए नीचे राइट साइड में स्पायरल ब्लर। तो इसको सिलेक्ट करना है और इसको इंस्टॉल करना है। ये मेरा पहले से इंस्टॉल्ड है, तो इसी वजह से इंस्टॉल हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसको सिलेक्ट करते हैं। अभी मैंने स्पायरल ब्लर को सिलेक्ट किया। ओके, अभी क्या करना है आपको, देखिए ऐसा करके आपको साइज सिलेक्ट करना है। देखिए इसका जो साइज है इतना ही तक रखना है, ठीक। तो ओके, अभी आपको क्या करना है, स्पायरल ब्लर में अभी एक सेटिंग में कुछ चेंजेस करना है। वो स्पायरल ब्लर का ऑप्शन यहाँ से नीचे से सिलेक्ट करके, तो सेटिंग में जाने के बाद देखिए कुछ यहाँ पर ऑप्शन से जो आप इसका साथ ही डिज़ाइंस वगैरह जो है आप कर सकते हैं बहुत सारे। तो दोस्त देखिए, ये जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ को आप 10 तक रखिए, सही रहता है। और इसका जो रेडियस है इसको बिल्कुल भी स्टार्टिंग में ले आए, जो 1 है 1 में कर दीजिए। और याद रखिए सेंटर एक्स और सेंटर वाई दोनों 50-50 रहना चाहिए। इन्वर्स 0 कोई प्रॉब्लम नहीं। और क्वालिटी को फुल कर दीजिए, यानी कि 10। और इनेबल जूम आउट जो है इसको कम्प्लीटली 0 कर दीजिए। यह हो गया, तो ओके मारिए। इसके बाद फिर से वही स्पायरल ब्लर में जाके अल्फ़ा कैपेसिटी सिलेक्ट करना है। तो इसको देखिए, अल्फ़ा कैपेसिटी क्या है, आपको ब्लर इफेक्ट का साथ आपको कैसे दिखेगा। देखिए देखिए, मैं जितना कम कर रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा इफेक्ट्स आप देख लीजिए क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो जैसे कि आप अगर इसको 50 में अगर रखते हैं तो वो दिखने में बहुत बढ़िया रहेगा। तो 50 से 55 तक आप रख सकते हैं, जो आपको सही लगे। तो आप ओके दबा दीजिए। दोस्तों अभी क्या करना है, यहाँ पर आपका 2 फिंगर यूज करके अभी अपने को ये थोड़ा लंबा कर देना है। जैसे कि ये लंबा हो गया, पहले सिलेक्ट करना है अपना नेम जो है, इस इतना ही रखिए, तकरीबन 781 मिलीसेकंड। सिलेक्ट करने के बाद आपको ये जो की ऑप्शन है, की एनिमेशन, उसमें क्लिक करना है। तो की एनिमेशन मैंने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर प्लस का सिंबल जो है की एनिमेशन में सिलेक्ट कर लिए। और इसको क्या करिए, पूरा स्टार्टिंग में ले जाइए
और इसको पूरा एंड तक ले आइए। देखिए ठीक, अब ओके, नेक्स्ट फिर से वहीं क्लिक करके की एनिमेशन यहाँ पर एक डाल दीजिए, तकरीबन 3 सेकेंड 404 मिली सेकेंड। यहाँ पर सेम की एनिमेशन प्लस का सिंबल दबा दीजिए और थोड़ा सा आगे यहाँ तक लेके और एक की एनिमेशन दबा दीजिए और उसी में इसको थोड़ा खींच लीजिए एंड तक, तभी ओके दबा दीजिए। ये हो गया हमारा, ये मूवमेंट वाला लेटर मूव करेगा इसमें से। तो अभी ब्लर इफेक्ट भी थोड़ा सा चेंज करते हैं। लेट्स क्लिक द की एनिमेशन। इसमें आपको दोस्तों क्या करना है, पहले आपको करना है तकरीबन देखिए 1 सेकेंड में की एनिमेशन का प्लस दबाइए, फिर से आप जाइए तकरीबन 2.051, ये नहीं इतना तक रखिए, यहाँ पर एक रखिए और थोड़ा सा आगे जाके इधर यहाँ पर भी एक की एनिमेशन रखिए। तो अभी क्या करना है, ये जो की एनिमेशन है इसमें आपको देखिए ये कैसे मैं खींच के कर रहा हूँ, थोड़ा इसको लंबा कर देते हैं, लंबा करने से ये सही रहता है। ठीक है हाँ ये सही है, इसे खींच लीजिए लेफ्ट को, देखिए आखिरी में जो तीसरा है तीसरा डॉट का पास, ये लेफ्ट को थोड़ा खींच लीजिए। देन यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है इसको क्लिक करना है, इसमें आ जाए दूसरा वाला में, दूसरा वाला में आपको क्या करना है राइट को खींच लेना है। दोस्तों क्या है ना, आप अगर रिसर्च करोगे तभी आपको मज़ा आएगा और धीरे धीरे कोई भी डिज़ाइन आप खुद बना सकते हो, सीख सकते हो। ठीक, अभी हम यहाँ तक रखते हैं, तो अभी लेफ्ट साइड का जो ये बटन है क्लिक करते हैं, अभी यहाँ पर आ गया। अभी यहाँ पर क्या ना, अपने को नीचे में सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसको तब चौड़ा कर देता हूँ, ये वाला देखिए कैसा रहे, हाँ तो ओके कर देता हूँ। दोस्तों ये वीडियो अभी रेडी हो गया है, तो देखिए मैं प्ले करता हूँ, कितना खूबसूरत आ रहा है, कितना सुंदर से आ रहा है। देखिए ये लाइट नेम एनिमेशन जो है बहुत ही खूबसूरत है, और आप इसको चाहे ये रिबल टेक्नोलॉजी का जो नेम है यहाँ पर क्लिक करके इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं आप। देखिए सपोज मैं यहाँ पर क्लिक किया तो ग्रीन सिलेक्ट किया, अभी देखिए ये ग्रीन हो गया, तो मैं प्ले करता हूँ देख लीजिए। देखिए दोस्तों ये ग्रीन में भी हो गया, आप इसको ग्रीन कर सकते हैं, वाइट कर सकते हैं, कोई भी। अभी देखिए ये मेरा 4 सेकंड का है, आप इसको कितना भी सेकंड बड़ा भी कर सकते हैं और कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत खूबसूरत है, आप आपका खुद का नाम लिख के ये कर सकते हैं। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए, और कोई अगर कोई क्वेश्चन है दूसरा तो ज़रूर लिखिए, मैं इसका 100% आंसर दूंगा। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।